warm welcome to TV का पटाका, your one-stop destination for all entertainment news. Well, दोस्तों, आधी रात को आखिर क्यों ईशान भागा सभी के पास? क्यों सभी की गोद में सर रख कर फूट फूट के रो रहा है ईशान? सबसे दूर आखिर क्यों ईशान सिर्फ और सिर्फ सभी से मिलना चाहता है? क्या है पूरी खबर, क्या है अपडेट, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से आने वाले एपिसोड की कहानी के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। वेल, आपको बता दें कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी अब बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई होने वाली है। कहानी में कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में अब आपने सोचा भी नहीं होगा। ईशान और सभी दोनों ही नहीं जानते कि उनके दिल में एक दूसरे को लेकर क्या फीलिंग्स हैं। वो इस प्यार को नाम नहीं दे पा रहे, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। सभी को ईशान कैफे में लेकर जाता है, लेकिन वहाँ भी वो अपने ख्यालों में गुम रहता है। ऐसे में सभी को ईशान की बहुत टेंशन होने लगती है। हॉस्टल रूम में जाकर सभी यही सोचती है कि आखिर ईशान सर को हुआ क्या था। इसीलिए वो सर को मैसेज करती है कि क्या आप ठीक है। और उसी वक्त जैसे ही ईशान सभी का मैसेज देखता है तो वो इमोशनल होने लगता है। तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है और रीवा वहाँ पे आकर तमाशा कर रही होती है। रीवा पर जो अक्का साहिब है वो चिल्लाती हैं और कहती हैं कि इस घर से बाहर निकल जा, तेरा इस घर में कोई भी नहीं है, ना तेरा हमसे कभी कोई रिश्ता था, ना है और ना कभी हो सकता है। ऐसे में ईशान आता है और ईशान जितनी भी यादों की गठरी उसने अभी तक, जितने भी तोहफे अभी तक रीवा के संभाल कर रखे थे, वो सब उठाकर रीवा के हाथ में थमा देता है और कहता है कि हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से अब निकल जाओ। और तभी उसे याद आता है कि सभी ने उसे मैसेज किया था कि सर आप कैसे हैं। ऐसे में ईशान बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल होता है और वो तड़प जाता है सभी से मिलने के लिए। वो बहुत ज़्यादा तड़प के भाग के जाता है, घर से निकलता है और अक्का साहिब से कहता है कि मैं थोड़ी देर बाहर घूम कर आता हूँ, फ्रेश एयर लेना चाहता हूँ और इसीलिए मैं बाद में आके घर पे सो जाऊँगा, मेरा कोई भी इंतज़ार मत करना। ऐसे में वो फ़ोन उठाता है और घर के बाहर भागकर सीधा सभी को कॉल लगा के कहता है कि प्लीज़ क्या तुम हॉस्टल के बाहर आ सकती हो। सभी ये सोचती है कि ईशान सर को शायद इस वक्त किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसीलिए वो मुझे बुला रहे हैं। सभी भी बिना कुछ सोचे सिर्फ और सिर्फ ईशान का ख्याल रखने के लिए हॉस्टल रूम से बाहर आके हॉस्टल से बाहर आती है, जहां सभी और ईशान एक दूसरे से मिलते हैं। ईशान सभी को अपने गले से लगा लेता है और फूट फूट कर रोता है। वेल, ऐसे में कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प मोड़ ले चुकी है, जहां सभी ईशान को संभाल रही है और ईशान सभी के गले लग कर फूट फूट कर रो रहा है। आधी रात को दोनों का ये रोमांस चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वेल, आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड है कहानी में इस नए मोड़ को देखने के लिए, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें।